नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं अलका आपके साथ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आइए रुक करते हैं आज की खास खबर। घर में शंख रखने और बजाने से होते हैं 11 फायदे। पूजा पाठ में शंख बजाने का चलन युगों युगों से चला आ रहा है। देश के कई भागों में लोग शंख को पूजा घर में रखते हैं और इसे नियमित रूप से बजाते हैं। ऐसे में यह एक उत्सुकता एकदम स्वाभाविक है कि शंख केवल पूजा अर्चना में ही उपयोगी है या इसका सीधे तौर पर भी कुछ लाभ है। खबर विस्तार से। दरअसल सनातन धर्म की कई ऐसी बातें हैं जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि कई दूसरे तरह से भी फायदेमंद हैं। शंख रखने, बजाने व इसके जल का उचित इस्तेमाल करने से कई तरह के लाभ होते हैं। कई फायदे तो सीधे तौर पर सेहत से जुड़े हैं। आगे चर्चा की गई है कि पूजा में शंख बजाने और इसका इस्तेमाल से क्या क्या फायदे होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को लक्ष्मी का भाई बताया गया है क्योंकि लक्ष्मी की तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में होती है। शंख को इसलिए भी शुभ माना गया है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में इसे धारण करते हैं। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। जहां तक इसकी आवाज़ जाती है इसे सुनकर लोगों के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों का फल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर ही होता है। शंख के जल से शिव लक्ष्मी आदि का अभिषेक करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा वेवर्त पुराण में कहा गया है कि शंख में जल रखने और इसे छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है। शंख की आवाज़ लोगों को पूजा अर्चना के लिए प्रेरित करती है। ऐसी मान्यता है कि शंख की पूजा से कामनाएं पूरी होती हैं। इससे दुष्ट आत्माएं पास नहीं फटकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख की आवाज़ से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणुओं कीटाणुओं का नाश हो जाता है। कई टेस्ट से इस तरह के नतीजे मिले हैं। आयुर्वेद के मुताबिक शंखोदक के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारियाँ, पथरी, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। हालांकि इसका उपयोग एक्सपर्ट वैद्य की सलाह से ही किया जाना चाहिए। शंख बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। पुराणों में जिक्र मिलता है कि अगर श्वास का रोगी नियमित तौर पर शंख बजाए तो वह बीमारी से मुक्त हो सकता है। शंख में रखे पानी का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। यह दांतों के लिए भी लाभदायक है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस व गंधक के गुण की वजह से यह फायदेमंद है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी शंख में ऐसे कई गुण होते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख की आवाज़ से सोई हुई भूमि जागृत होकर शुभ फल देती है। रिपोर्ट रघुनाथ शास्त्री।